तो देखो स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे अपने पास फोर्स का इक्वेशन क्या है, माइनस के एक्स, और फोर्स को क्या लिखा हमने, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्सेलरेशन आया माइनस के बाई एम एक्स, और ये जो कांस्टेंट था के बाई एम, इसको हमने अभी क्या ले लिया है, ओमेगा स्क्वायर ले लिया है, राइट। जो अब क्लियर होगा कि ओमेगा क्या है एक्चुअली। तो ये जो इक्वेशन है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हुए वी ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट दैट इज अकरिंग, दैट इज हैपनिंग इन एसएचएम, उसका हम लोग इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये जो इक्वेशन आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अभी जो एक्सेलरेशन है, राइट, तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन और एक्स का क्या रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन और एक्स का रिलेशन ये है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वी डी वी बाई डी एक्स होता है, राइट। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हम लोग जानते हैं, एक तो हम लोग जानते हैं डी वी बाई डी टी, और दूसरा जो है एक्सेलरेशन का, यानी ये तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन है, राइट, डी वी बाई डी टी, और दूसरा एक्स के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, डी वी डी बाई डी एक्स। आपको पता ही कैसे आता है, इसको हम लोग सिर्फ अगर इन टू डी एक्स बाई डी एक्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा v, तो v dv by dx, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब देखो आप, तो यहां पे अगर मैं डाल दूं a की जगह पे v dv by dx, क्या लिख दिया मैंने, v dv by dx is equal to minus omega square x, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेरिएबल सेपरेट करूंगा, यानी एक साइड dv, यानी यहां पे दो वेरिएबल है, एक है v डेरिवेटिव ऑफ v और डेरिवेटिव ऑफ x, right? तो दो वेरिएबल यहाँ, एक v और एक x, तो मैं वेरिएबल सेपरेट करूंगा, तो एक साइड मैं v लूंगा और एक साइड x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा v dv, एक साइड लिया मैंने और एक साइड मैंने लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, ये समझ में आप लोगों। और अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, इंटीग्रेट, राइट। तो अभी मैं इन दोनों का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, राइट, यानी इसमें एक कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी, तो LHS में जो इंटीग्रेशन है v dv, वो हो जाएगा v square by 2, जैसे x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x square by 2, तो v dv का क्या होगा, v square by 2 हो जाएगा, is equal to, अब ये omega square constant है, क्योंकि हमने इस टर्म को omega square बोला है, तो ये constant है, इसलिए इसको आप बाहर ले लो, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x square by 2, और plus a constant c, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हमने लिमिट्स लगाया है क्या, नहीं नहीं, हमने लिमिट्स नहीं लगाया, यानी लिमिट्स नहीं लगाया, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये क्या है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ में आया। लेकिन ये सी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जब SHM हो रहा है, यानी जब ये पार्टिकल अपने मीन पोजिशन से आगे जा रहा है, एक्सट्रीम पोजिशन पे जा रहा है, और फिर वापस जब आ रहा है, राइट, ये एक्सट्रीम पोजीशन, राइट, इसको हम लोग कहते हैं प्लस ए, राइट एक्सट्रीम। तो ये ए क्या है, ये ए है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो राइट साइड का जो एक्सट्रीम है उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं प्लस ए, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और ये यहाँ से घूम के वापस जब आ रहा है, फिर ओवरशूट होकर यहाँ पहुँच रहा है, तो ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, राइट, ये इधर आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब एक्स इज इक्वल टू ए है, तब x is equal to क्या है? A. A. तो यहाँ पे आपके पार्टिकल एक बार रुक जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? जीरो हो जा रही है, समझ में आ रहा है आपको? और ये जो एक्सट्रीम है, यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x माइनस है, और यहाँ पर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? B, जीरो हो जा रही है। यानी हमारे पास एक नोन वैल्यू है, हमारे पास एक नोन कंडीशन है, हम इस नोन कंडीशन को अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा, और हम वापस उस सी के वैल्यू को वापस इसी में डालेंगे तो हमें जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, आप लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो कंडीशन है, राइट, तो हम लोग इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन, तो ये मान लेते हैं हम लोग इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, यानी व्हेन एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, द वेलोसिटी इज 0, राइट, वी इज 0, सो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, राइट, तो कितना हो जाएगा, तो यूजिंग द अबव कंडीशन इन इक्वेशन 1, तो हम v की जगह क्या डालेंगे बच्चों, 0 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 0,
और इधर ओमेगा स्क्वायर और x इधर क्या डालेंगे a डालेंगे, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर by 2 plus c। तो यहां से आप देख सकते हो आपको c का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर by 2। अब ये जो c का वैल्यू आ गया इसको आप बोल दो 2। अगर आपने वापस से c का वैल्यू को इस इक्वेशन में डाला तो आपको v और x का जनरल रिलेशन मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा। तो लेट अस डू दैट, यानी नाउ लेट अस यूज इक्वेशन नंबर 2 इन 1, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर / 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर / 2। इसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं क्योंकि हमें सिर्फ c का वैल्यू पुट करना है, सही है, सिर्फ c का वैल्यू पुट करना है। तो c का वैल्यू पुट करो तो वो हो जाएगा प्लस c यानी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर / 2। अभी आप देखो इन दोनों टर्म में ओमेगा स्क्वायर / 2 क्या है, कॉमन ले सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा और 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया और अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप देखो यहां से हमें v का रिलेशन मिल गया, v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये v कितना आ गया, ये आ गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आगे आप लगा दो प्लस माइनस। तो अभी आप देख सकते हो कि आपको मिल गया v एज अ फंक्शन ऑफ x। हमने कहां से शुरुआत किया था, देखो हम लोगों ने शुरुआत किया था a एज अ फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं, we started from a as a function of x, then acceleration, and how is the acceleration depending on x, how the acceleration depends on displacement, वहां से हम लोग शुरू किया और अब हम लोग कहां पहुंच गए कि how the velocity depends on displacement or x, ये समझ में आया आप लोगों को। अब आप देखो इससे आगे हम लोग बढ़कर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इससे आगे हम लोग x as a function of time, तो a as a function of x से हम लोग कहां पहुंचे, b as a function of x, और v as a function of x से हम कहां जाने वाले हैं, x as a function of time। तो वो हमें जब x मिल जाएगा वही x उस SHM के इक्वेशन का रूट है, उस SHM के इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं उसके सॉल्यूशन जो आते हैं उसको आप रूट्स कहते हैं, है कि नहीं, तो वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा, ये इक्वेशन अगर आपने वापस उस इक्वेशन में डाला डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वहीं से इसको निकाला है तो ये वापस उसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी हम लोग वेरीफाई करेंगे एट दी एंड। तो अभी देखिए आप लोग, तो यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन आ गए राइट, तो इस इक्वेशन में हमें पता है कि v क्या होता है, v होता है dx by dt, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो v equal to dm by dt और इसमें से हम एक पॉजिटिव यानी मॉड लेते थे इसका फिलहाल, ठीक है, तो वो हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमने यहाँ से मॉड ले लिया, ठीक है इसका। तो अभी ये जो आप टर्म देख रहे हो, तो अभी ये यहाँ पे आप देखो फिर से हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेट करके लगाएंगे, दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल क्या है टाइम है, तो हम लोग उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी x एक साइड और टाइम जो है वो एक साइड, ठीक है, x और t इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो x को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे dx है ये, और ये x का टर्म यहाँ ले लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टाइम आप उधर लेके गए dt वहां लेके गए, और x का ये जो था ये टर्म यहाँ लेके गए राइट, तो हमने क्या किया इसको वेरिएबल सेपरेट कर दिया करेक्ट। तो अभी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो dx अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, तो फिलहाल मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, और ये हो गया ओमेगा t, और एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन किया है वो कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इट्स नॉट इनडेफिनेट, यानी हमने लिमिट नहीं लगाया राइट। तो इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन है dx by under root a square constant square minus x square, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है, और ये हो गया ओमेगा कांस्टेंट बाहर गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वो हो गया t प्लस एक क्या आ गया कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू हमें निकालना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाला था, और जैसे हमने कांस्टेंट का वैल्यू निकाल कर वापस इस इक्वेशन में डाला था वही काम हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। तो यहाँ पे अभी ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग 3 बोलते थे, और ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग क्या बोलते थे 4 बोलते थे। अब आप देखो अगर मुझे c निकालना है तो उसके लिए मुझे कंडीशन चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे कंडीशन पता था तो मैंने उस कंडीशन को यूज किया करेक्ट, तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन पता होना चाहिए, तो मैं कंडीशन ये लूंगा कि लेट at t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x0, ये मैंने एक कंडीशन ले लिया। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि इन
इनिशियली जो t इक्वल टू जीरो है, यानी जहां से SHM शुरू हो रहा है, जहां से SHM शुरू हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि वो कोई x is equal to x naught है। इसको आप ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि t इक्वल टू जीरो कोई जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू जीरो पे ही हो। t इक्वल टू जीरो कोई जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू जीरो पे ही हो, राइट। जैसे आपका क्लास कितने बजे शुरू होता है, 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन वो 8 बजे अगर क्लास शुरू हुआ, 8 से 9:30 क्लास है, तो अगर स्टॉप वॉच लगाएंगे 1.5 घंटे का, तो t इक्वल टू जीरो कब शुरू हो रहा है, 8 बजे शुरू हो रहा है। तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो क्वेश्चन में अलग अलग इंस्टेंट पे दिया हो सकता है कि मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। जैसे मुझे अभी एक सिंपल पेंडुलम, राइट, मैंने मान लो उसको यहाँ तक स्ट्रेच किया और यहाँ पे लेके मैंने उसके बी दे दिया, तो उसका SHM कहाँ से शुरू हुआ, x इक्वल टू x नॉट से शुरू हुआ है, उसका SHM x इक्वल टू जीरो से शुरू नहीं हुआ। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक जनरलाइज इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिराइव अ जनरलाइज इक्वेशन। इसलिए हमने एकदम जनरल वैल्यू ले लिया कि मान लो t इक्वल टू t नॉट पे x इक्वल टू कोई पे x नॉट है। ऐसा नहीं कि t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो ही है, नहीं सर, मोशन तो यहीं से शुरू होना चाहिए, मीन पोजिशन है सर, वो मीन पोजिशन है या एक्सट्रीम पोजिशन है, इससे कोई लेना नहीं है। आप कहीं से भी वो मोशन स्टार्ट हो सकता है, आप इस एंड पे लेके उसको छोड़ दो तो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो गया अभी ऐसे चलो, समझ में रखो, आपने मीन पोजिशन लेके वेलोसिटी दे दिया तो वो मीन पोजिशन से स्टार्ट हो गया, यानी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एट टी इक्वल टू जीरो लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एकदम जनरलाइज, ये समझ में आए। तो ये कंडीशन हम यहाँ डालेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। सुन रहे हैं आप लोग एकदम ध्यान से, तो देखो तो अभी यहाँ लेटेस्ट पुट की वैल्यूज, यानी x की जगह क्या डालेंगे पहले x नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई a हो जाएगा, और टाइम की जगह डालना मुझे 0, तो ये होगा 0+c, यानी मुझे c का वैल्यू मिल गया, c कितना मिल गया मुझे, साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई a। अभी साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई a मुझे एंगल देगा, राइट, है कि नहीं, जैसे साइन 45 वो कितना देता मुझे 1/√2, तो अगर साइन वहां लेके जाऊंगा मैं, तो ये होगा 45° इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये देखो, यानी ये साइन इनवर्स जो है मुझे क्या देने वाला है, एंगल देने वाला है, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये हम क्या देंगे कि ये हम क्या देंगे एज अ रिजल्ट, एंगल देंगे, यानी ये मुझे कुछ एंगल देने वाला है, राइट। इसको मैं बोल देता हूं फाई नॉट, इसको मैं क्या बोल देता हूं, फाई नॉट या फाई बोल देता हूं। तो ये फाई क्या है, फाई एंगल है, ये तो फॉर श्योर समझ में आ गया, फाई क्या है, एंगल या फेज। तो ये जो फाई है इसके लिए हम लोग दो वर्ड यूज कर सकते हैं, एंगल या हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फेज, लेकिन ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, फेज। और इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। इनिशियल क्यों, क्योंकि बात हो रही है टी इक्वल टू जीरो पे, बात किस पे हो रही है, तो हम ये एंगल वर्ड हटा देते हैं क्योंकि हमें एक ही वर्ड यूज करना है फेज, और आगे लगा देते हैं इनिशियल, क्या लगा देते हैं, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो एंगल मिल रहा है, राइट, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल फेज, ये समझ में। और एक और वर्ड यूज होगा वो है कांस्टेंट, यानी इनिशियल फेज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये बात, अब इस बात को आप चेंज नहीं कर सकते कि मोशन कहां से शुरू हुआ था, मोशन यहां से शुरू हुआ था, तो ये कांस्टेंट चीज हो गई कि मोशन यहां से शुरू हुआ था और इसके हिसाब से सब चल रहा है, इसके हिसाब से टाइम बदल रहा है, तो इसलिए वो एक कांस्टेंट हो गया, इसलिए उसको उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनिशियल फेज कांस्टेंट। समझ गए आप, इनिशियल वर्ड क्यों यूज हुआ, फेज क्यों यूज हुआ और कांस्टेंट क्यों यूज हुआ, तो इसको इनिशियल फेज कांस्टेंट कहते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज होता है, वो है EPOCH, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एपोक, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम लोग बोल देते हैं फाइव, और ये फाइव को हम लोग कहां डालेंगे, इसको फोर में यूज करेंगे, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो अब ये यहां से फोर्थ इक्वेशन जो है अपने पास ये वाला, राइट, कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी, तो वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ में आपको, सी की जगह क्या डाला है, फाइव, और फाइव का इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए, सबको समझ में आ रहा है। तो अभी यहां से आप साइन को उस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वन, ये समझ में आपको, करेक्ट, क्योंकि ये तो पूरा एंगल है, ये पूरा एक एंगल है, तो मैं साइन को वहां लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आगे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, करेक्ट। यानी मुझे क्या मिला, मुझे यहां से, सॉरी ये एक्स नॉट नहीं,
क्योंकि मुझे इसी इक्वेशन डालना है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई है, तो ये तो एज इट इज आएगा, ओमेगा टी आएगा, सिर्फ मुझे सीधा वाला डालना है, इसी रिजल्ट क्या आएगा, फाइव। तो ये एक्स नॉट नहीं है, दिस इज ओनली एक्स, दिस इज ओनली एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ गए। और फिर साइन वहां लेके गए हम लोग, और अब ए को वहां लेके जाएंगे तो हमें पूरा एक्स का इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स हमें मिल जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये है इक्वेशन एक्स का, यानी ये एक्चुअली सॉल्यूशन है किसका, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, समझ में आया, जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है, राइट, इक्वेशन ऑफ SHM, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो अपने पास आया था, ये जो इक्वेशन आया था अपने पास, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, जो आया था इक्वेशन ऑफ SHM, ये उसका सॉल्यूशन है, ये उसका क्या है, सॉल्यूशन। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है, ये है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स का इक्वेशन है इन SHM, ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि ये इसको कैसे सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इन द नेक्स्ट टॉपिक।